हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड आईसीटी सब्जेक्ट के बीएड का जो आईसीटी सब्जेक्ट है उसके यूनिट सेकेंड ऑडियो विजुअल मींस यानी हमारे जो ऑडियो और विजुअल जो सुनने और दृश्य और श्रव्य जो साधन है उसके बारे में उस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था हमारा रेडियो, ठीक है। तो रेडियो का कुछ टॉपिक कुछ पार्ट हमारा बाकी था, हमने लास्ट इसको ख़त्म किया था हमारी यूटिलिटी हमारी यूजेस तक, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले थे कि लिमिटेशंस क्या क्या होती है। तो एक बार के लिए रेडियो को वापस से थोड़ा सा देख लिया जाए, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा आपका। रेडियो क्या होता है? रेडियो एक श्रव्य यानी सुनने का एक मीन है। इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट मीन फॉर मेकिंग आइडियाज एंड हैबिट इफेक्टिव फॉर इम्पार्टिंग कंप्लीट एंड knowledge of school subject. Nowadays, every country of the world as a mean of educational technology is being used. Now it provide useful knowledge and learning experience to multiple student at the same time and the help the teacher in the education process. Clear है? और ये रेडियो हमारा हर nook corner पर जाकर रेडियो सेंटर्स के थ्रू ब्रॉडकास्ट करवा सकता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स की, यानी हम इसके लिमिटेशंस की बात करते हैं। चलिए, सबसे पहली जो लिमिटेशन है, आप चाहे कोई भी इक्विपमेंट कोई भी टूल देख लो, हर किसी के एडवांटेजेस है, हर किसी की यूटिलिटीज है, तो हर किसी की लिमिटेशंस भी होगी। क्लियर है? चलिए सबसे पहला बात करते हैं। पहली है हमारी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग डील विथ लिसनिंग, ठीक है। रेडियो डील किसके साथ करता है? सिर्फ लिसनिंग के साथ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वॉच टीवी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो टीवी देखते हैं। हैविंग कम डोंट टेक इंटरेस्ट इन इट एनी मोर, जो टीवी देखते हैं वो वहां पर आके इंटरेस्ट बहुत कम लेते हैं। एनी वे दे गेट बोर्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो एवरी डे। रेडियो पर सुनना किसी के बस की, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। दिन ब दिन अगर आप एक ही तरह के रेडियो पर अगर सुन रहे हो तो बोर होना स्टार्ट हो जाओगे। क्लियर है? सबसे पहला ड्रॉबैक। सेकेंड है आपका रेडियो ब्रॉडकास्टिंग बिकम वन साइडेड। रेडियो सिर्फ वन साइडेड होता है, ठीक है। यानी जो ब्रॉडकास्ट सेट करके सेंटर्स को दिया जाता है वो ही कंटिन्यू चलता है। स्टूडेंट विल नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन दिस। स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटीज ये अवसर नहीं मिल पाता है कि वो इस क्रिया में भाग ले सके। देयर इज अ नो ऑर्बिटल इंट्रैक्शन एट ऑल। यहाँ पर किसी भी तरह का स्टूडेंट और एजुकेटर या जो शिक्षक है उसके बीच में इंट्रैक्शन नहीं होता। तो ये दोनों आपको लिमिटेशन समझ आई। पहली लिमिटेशन क्या थी? पहली लिमिटेशन थी कि रेडियो हमेशा सिर्फ सुनने के लिए काम आता है, सुनना सिर्फ उसमें सुना जाता है, जबकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट टीवी देखते हैं और टीवी देखने वाले बच्चे इस रेडियो को सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेते। सेकेंड है हमारा कि रेडियो एक वन साइडेड प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है कि वो टीचर के साथ इंटरेक्शन कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। फिर थर्ड आता है आपका इट इज़ अ डिफिकल्ट टू गेट एडवांस इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम। ये हमारे इसमें ये डिफिकल्टी तो ये आती है कि इसमें हम कार्यक्रम की अग्रिम जानकारी मिलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे रेडियो प्रोग्राम में किसी भी कारणवश बिना बताए बदल दिए जाते हैं, जिससे विद्यार्थी और शिक्षक की जितनी प्रिपरेशन होती है वो सारी की सारी पेंडिंग रह जाती है। यानी सेवरल प्रोग्राम फॉर सम रीजंस आर चेंजेस विदाउट इन्फॉर्मिंग, बिना इन्फॉर्म के चेंज कर देते हैं, ड्यू टू विच ऑल द प्रिपरेशन ऑफ द स्टूडेंट एंड द टीचर रिमेन इन द ग्राउंड। उनकी सारी की सारी चीज़ें वहीं पर रह जाती है, टीचर ने बहुत तैयारी करके वो ब्रॉडकास्ट करवाया होता है पर रेडियो सेंटर्स उसको चेंज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं होते हैं। क्लियर है? कि द टीचर्स हैज अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी टू फिनिश द करिकुलम बट द रेडियो लेसन इज देयर वॉज नो सीक्वेंस। यानी कि शिक्षक ने एक प्रकार की नीति के अनुसार पाठ्यक्रम समाप्त करना होता है परंतु रेडियो पाठों में इस प्रकार का कोई भी सीक्वेंस मैनेज नहीं हो पाता है। क्लियर है? फिर आता है आपका दिस डिस्टर्ब द स्कूल शेड्यूल। यानी कि ये स्कूल का जो शेड्यूल होता है उसको डिस्टर्ब करता है, इनडिसिप्लिनरी एरिया इंक्रीज करता है, इनडिसिप्लिन इंक्रीज करता है यहाँ पर, ठीक है। फिर है आपका मैनी ट्रांसमिशन आर अबाउट द मेंटल लेवल ऑफ द चिल्ड्रन। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अनेक प्रसारण
बहुत सारे ब्रॉडकास्ट होते हैं तो जिसे बच्चों के मेंटल लेवल पर असर होने लगा है. द एक्सपर्ट और स्पीकर मेनी टाइम्स टू शो हिज स्ट्रूबॉनस एक्सबीट एंड हाई स्टैंडर्ड विच प्रूव्स टू बी हार्मफुल फॉर द चिल्ड्रंस. यानी कि हमारे जो विशेषज्ञ है या वक्ता है उन्होंने अपनी विद्वानता दिखाने के लिए उच्च स्तर का प्रदर्शन करता है जो बच्चों के लिए हानिकारक सिद्ध होता है. क्लियर है यहाँ पर. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट शो नेग्लिजेंस इन लिसनिंग टू रेडियो कोर्सेज. रेडियो कोर्सेज को सुनने में वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, वो उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं. क्लियर है. दिस दे आर नॉट सीरियस एंड डोंट लेसन केयरफुली टू द लेसन. यानी कि वो सीरियस नहीं होते हैं और वो केयरफुली उसके लेसन को सुनते नहीं हैं जो रेडियो पर ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं. क्लियर है यहाँ पर. फिर देखिए नेक्स्ट क्या कहता है. नेक्स्ट कहता है आपका, मोस्ट ऑफ द टीचर डोंट वर्क सो हार्ड दैट दे कैन हेल्प ऑल द चिल्ड्रंस. यानी ऑल द चिल्ड्रंस टू प्रिपेयर इन एडवांस. कि अधिकतर विद्यार्थी रेडियो पाठ्यक्रम के सुनने में लापरवाही, चलो ये तो नेग्लिजेंस हो गया. ठीक है. फिर आता है अधिकांश शिक्षक इतना परिश्रम नहीं करते हैं कि वे सभी कुछ बच्चों के लिए अग्रिम रूप से तैयार कर सके. यानी एडवांस में कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं. क्लियर है यहाँ पर. फिर नेक्स्ट देखिए, इट इग्नोर साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन. यानी कि ये इग्नोर करता है मनोविज्ञान के वैज्ञानिक विभिन्नताओं के सिद्धांत को. ठीक है. अब हम बात करते हैं, देखिए ये हमारी थी कि एक लिमिटेशंस क्या क्या होती है हमारे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में. हम सोचते हैं कि रेडियो, हमने जब यूटिलिटी देखा लास्ट क्लास में, तो हमें ये लगा कि रेडियो से बेहतर कोई मीन नहीं है जिससे हम अपने बच्चों को लर्न करवा सके. पर जब हमने ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस देखी तो हम दोनों को कंपेयर करके, हम बाकी मीन्स को कंपैरिजन में डालकर फिर उस मीन्स का यूज़ करेंगे, टूल को यूज़ करेंगे. क्लियर है यहाँ पर. समझ आई. चले आगे. अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर यूजेस कैसे होता है आपके रेडियो का. ठीक है. रेडियो का अगर प्रॉपर यूजेस करना है तो वो कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं. क्लियर है यहाँ पर. चलिए सबसे पहला रेडियो प्रसारण का यूज कैसे करना है, उसमें सबसे पहला है द टीचर शुड बी गेट एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रॉडकास्ट एंड सेंड इट टू द सिलेबस नीडेड. अरेंज अकॉर्डिंगली. अरेंज, ये वापस रिपीट हो गया. ठीक है. इसका मतलब है कि टीचर को, शिक्षक को प्रसारण के विषय के में अग्रिम सूचना प्राप्त करे, उसे पाठ्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके प्रदान करने, ब्रॉडकास्ट करने का कष्ट करे. ठीक है. यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर रेडियो लेसन तैयार कर रहे हो तो रेडियो ब्रॉडकास्ट में आप कैसे यूज करोगे प्रॉपर यूजेस ऑफ रेडियो लेसन का. ठीक है. चलिए फिर नेक्स्ट आता है आपका. नेक्स्ट कहता है कि आफ्टर दैट प्लान केयरफुली टू नरेट द टेक्स्ट टू द स्टूडेंट लिंकिंग दिस इंफॉर्मेशन एंड अरेंजमेंट विथ योर सब्जेक्ट. यानी हम कह सकते हैं कि तत्पश्चात इस जानकारी और जानकारी तथा व्यवस्था को अपने विषय के साथ जोड़कर लेसन को ब्रॉडकास्ट विद्यार्थियों को सुनाने की योजना ध्यानपूर्वक बनानी चाहिए. क्लियर है यहाँ पर. फिर आता है आपका टीचर स्टूडेंट टू लिसन टू द रेडियो ब्रॉडकास्ट विथ अटेंशन एंड द इंटरेस्ट मोटिवेटिव मेंटली. यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं रेडियो ब्रॉडकास्ट जो सुनते हैं वो प्रसारण ध्यान और रुचि के साथ सुनने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों के मानसिक रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए. ठीक है. देन उसके बाद द टीचर शुड बी अरेंज फॉर रेडियो सेट इन द सब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट फॉर विच द रेडियो लेसन टू बी ब्रॉडकास्ट. जो ब्रॉडकास्ट प्रसारित हो रहा है रेडियो सेट का प्रबंध उसी विषय के कक्ष में ही हो. क्लियर है. फिर आता है आपका फोर्थ. इन ऑर्डर टू लिसन टू द रेडियो ब्रॉडकास्ट द जियोग्राफिकल कंडीशन should also be taken in account into account. There should be proper arrangement of radio set.
सिटिंग एरिया, लाइट, एयर, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ठीक है। रेडियो प्रसारण को सुनने के लिए भौगोलिक परिस्थितियों, जियोग्राफिकल जो कंडीशंस होती हैं उनको, और हमारे बैठने का स्थान, हमारी एयर, हमारी लाइटिंग, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, तभी हम उस लेसन का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट आता है आपका, इफ द नीड इज फेल्ट देन द नॉलेज रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन इन एडवांस। यह यदि आवश्यकता अनुभव हो तो बच्चों को प्रस्तावना से संबंधित ज्ञान पहले से ही दे दिया जावे, ठीक है। फिर आता है आपका, द स्टूडेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू लिसन एज वेल एज रीड द लेसन, नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एज वेल। जो हम हमेशा यही इंस्ट्रक्ट करते हैं स्टूडेंट को, यही फॉलो करना है उसको, कि वो अपने लेसन को ध्यान से पढ़े, नोट डाउन करे और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं उनको लिखे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हैविंग अ डिबेट इन द क्लास आफ्टर लिसनिंग टू द ब्रॉडकास्ट, यानी ब्रॉडकास्ट सुनने के बाद आपको, यहाँ पर ब्रॉडकास्ट सुनने के बाद कक्षा में उस विषय में वाद विवाद होना चाहिए, ठीक है। एंड फिर लास्ट आता है, एट द एंड द टीचर शुड इवेलुएट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, ही कैन यूज देयर अंडरस्टैंडिंग बाय आस्किंग सम क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं या फिर कुछ टीचर को इवेलुएट करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए हमारे स्टूडेंट को, कि हम जो भी जो उनको लर्न करने के लिए लेसन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो उसमें से कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट आ रहा है उनको, या फिर पूछकर हम उनके इवेलुएशन का अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने कितना पढ़ा और कितना समझा है। क्लियर है यहाँ पर? चले आगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रेडियो के उपयोग में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर इन यूजिंग रेडियो, कि एक टीचर जो होता है वो एक टीचर जो होता है वो रेडियो के उपयोग में शिक्षक की भूमिका, यानी कि हमारा जो रेडियो है उसका यूज है शिक्षक की भूमिका में कैसे हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। रेडियो अकेला कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। शिक्षक के द्वारा उसका सही यूज करना उसको कुछ लाभ पहुंचा सकता है। शिक्षात्मक रेडियो को कक्षीय परिस्थितियों में प्रभावशील तथा लाभप्रद बनाने के लिए हम जो ये पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं वो उनको कंसीडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ पर? तो ध्यान से सुनिएगा ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होते ही हमारा रेडियो खत्म हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, सबसे पहला, द टीचर शुड प्रिपेयर द क्लास फॉर द लेसन वेल इन एडवांस। टीचर जो होता है शिक्षक को प्राप्त समय से पूर्व ही कक्षा को पाठ के लिए तैयार कर लेना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कौन सा पाठ रेडियो में कब ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। क्लियर है यहां पर? ठीक है, देखिए, विच टेक्स व्हेन इज ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो। सेकेंड है, द टीचर शुड एडजस्ट द जियोग्राफिकल कंडीशन एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द लेसन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग टीचर को ये एडजस्ट करना है कि जियोग्राफिकल कंडीशन मतलब हमारे लेसन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। फिर है आपका, बिफोर द एक्चुअल ब्रॉडकास्ट, हमारे ब्रॉडकास्ट से पहले द टीचर शुड मोटिवेट द स्टूडेंट्स वेल। टीचर को मोटिवेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को। दिस विल इंक्रीज द क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर द लेसन। इससे हमारे बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती है लेसन के प्रति। विल मेक दम रेडी टू लिसन टू द लेसन। लेसन को सुनने के लिए उन्हें तैयार करना चाहिए, ठीक है। चलो आगे, अब नेक्स्ट है हमारा, इसी ये जो इसी पॉइंट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि रेडियो के उपयोग में शिक्षक की क्या भूमिका है, यही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ, ही मस्ट गिव द चिल्ड्रन सम इनिशियल अक्विंटेंस विद द लेसन। हमारे जो उसे पाठ जो बच्चे होते हैं उसे पाठ के बारे में प्रारंभिक जान पहचान बच्चों को अवश्य देनी चाहिए। उसे पाठ के महत्व पर भी इम्पोर्टेंस उसको पता होने चाहिए। क्लियर है यहाँ पर? फिर नेक्स्ट यही पॉइंट है, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया, सॉरी, ये जो पॉइंट था आपका, ये इसी फोर्थ
जो लास्ट पॉइंट था उसी को कंटिन्यू किया था। लास्ट पॉइंट था कि उसमें पार्ट सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो अपनी हाईलाइटेड जो चीज़ें हैं वो वहाँ कर देते हैं। फिर है चिल्ड्रन मस्ट बी टोल्ड अबाउट हाउ लिसन एंड अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। चिल्ड्रंस को कार्यक्रम कैसे सुनना है, कैसे समझना है, इसके बारे में बच्चों को अवश्य बताना चाहिए। शिक्षक को कौन सी बातें नोट करनी है, कैसे करनी है, किस विषय में जानकारी देनी है, ये सारी चीज़ें शिक्षक को वहाँ बतानी चाहिए स्टूडेंट्स को। फिर आता है आपका एट द टाइम ऑफ डिस्कशन आफ्टर द ब्रॉडकास्ट द टीचर शुड हिमसेल्फ बी इन्वॉल्व इन डिस्कशन। ही शुड मोटिवेट द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन विदाउट एनी फियर, हेजिटेशन एंड शायनेस। प्रसारण के समय बच्चे जो होते हैं चर्चा के समय, प्रसारण के पश्चात यानी ब्रॉडकास्ट होने के बाद हमारे जो डिस्कशन टाइम होता है उसमें शिक्षक को स्वयं भी चर्चा में सम्मिलित होना चाहिए और उसे ये करना चाहिए कि विद्यार्थी बिना किसी भय के, संकोच के, शर्म के उस डिस्कशन का पार्ट हो। क्लियर है यहाँ पर? फिर है व्हाइल लिसनिंग द लेसन मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। जब हमारा लेसन सुन रहे हैं तो मेंटेन करना है हमें डिसिप्लिन को। नॉइज एंड ऑल द स्टूडेंट शुड लिसन केयरफुली एंड द नोट डाउन द टेक्स्ट। जो भी हमारा टेक्स्ट होता है उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पर्सनल प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट शुड बी टेकन केयर ऑफ। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं तथा कठिनाइयों का भी ध्यान रखना चाहिए। जिन बच्चों की को सहायता की आवश्यकता है उनकी समय पर सहायता करनी चाहिए। क्लियर है? चिल्ड्रन हु नीड हेल्प शुड बी हेल्प एन अ टाइम। एट द टाइम ऑफ ब्रॉडकास्ट द टीचर शुड बी प्रेजेंट इन द क्लास विदाउट डिस्टर्बिंग प्रोग्राम ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी कि विद्यार्थियों को प्रसारण के समय शिक्षक को विद्यार्थियों के कार्यक्रम में बाधा पहुंचाए बिना कक्षा में उपस्थित रहना चाहिए। फिर है आपका आफ्टर द ब्रॉडकास्ट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग शुड बी असेस्ड। इफ देयर इज एनी डाउट इट शुड बी द रेड्रेस एंड चिल्ड्रन कैन ऑल्सो गिवन लेसन बेस्ड होमवर्क। यानी कि प्रसारण के पश्चात विद्यार्थियों के बोध का मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए। यदि कोई संदेह होता हो तो उसका निवारण किया जाना चाहिए। बच्चों को पाठ पर आधारित गृह कार्य भी दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि रेडियो के उपयोग में शिक्षक की क्या क्या भूमिका होती है। अगर हम रेडियो का यूज़ कर रहे हैं तो शिक्षक को क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या उसका रोल होता है, कौन कौन सी चीज़ें उसको कंडक्ट करवानी है, तो ये वो पॉइंट्स है जिनको हमें कंसीडर करना है। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि रेडियो प्रसारण पर कार्यक्रम को शिक्षा के लिए लाभप्रद बनाने के लिए, आकाशवाणी केंद्र पर रेडियो पाठों की तैयारी के लिए अनुभव शिक्षकों से परामर्श एवं सहयोग प्राप्त करना चाहिए। ये पाठ कार्यक्रम पर आधारित होने चाहिए तथा इनमें एक व्यवस्था होनी चाहिए कि कार्यक्रम बच्चों की रुचि और आवश्यकताओं पर आधारित होने चाहिए। विद्यालय की समय सारणी में इन पाठों के लिए समय निश्चित होना चाहिए और प्रसारित पाठों पर वाद विवाद होना बहुत जरूरी है तथा समय समय पर रिसर्च और नॉलेज पर एनकरेज करने के लिए इसका रिपीटेशन होना भी बहुत जरूरी है। क्लियर है यहाँ पर? तो ये था हमारा रेडियो। बेसिकली रेडियो, इस तरह से हम रेडियो को डिफाइन कर सकते हैं कि रेडियो क्या होता है, ठीक है। आज हमने स्टार्ट किया था, देखिए हमने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की लिमिटेशन से स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने रेडियो का प्रॉपर यूजेस देखा, प्रॉपर यूजेस ऑफ रेडियो लेसन्स, रेडियो लेसन्स के प्रॉपर यूजेस क्या क्या और कहाँ कहाँ होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये देखा कि एक रेडियो का यूज़ जब हम करते हैं तो शिक्षक कौन कौन से रोल को प्ले करता है। तो शिक्षक डिसिप्लिन मेंटेन करता है, शिक्षक वो ज्योग्राफिकल कंडीशन, वो रिसोर्सेज, वो लेसन्स के अकॉर्डिंग तैयार करता है। हमेशा टीचर जो होता है वो अगर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है रेडियो पर लेसन, तो वो स्टूडेंट को सुनने के लिए मोटिवेट करेगा, उनको नोट डाउन करना बताएगा, कौन सी चीज़ कहाँ पर उनको कब उनको नोट डाउन करनी है वो सारी चीज़ें बताएगा। उसके बाद कि अगर वो क्लास को ये भी उसको टीचर शिक्षक को बताना है, उन शिक्षक को, कि जब ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो वो विदाउट डिस्टर्बिंग वो अपनी सीट पर अपने प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो ये था हमारा रेडियो। नेक्स्ट क्लास में हम अपना टीवी टेलीविज़न स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो
आज की क्लास हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, नेक्स्ट में हम टीवी को स्टार्ट करेंगे और टीवी को कंटिन्यू करते जाएंगे। थैंक यू।